गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज मैं आपको लेसन थर्ड करवाया था, लुकिंग आफ्टर आवर सेल्फ, खुद की देखभाल करना। तो मैं आपको उस लेसन का थर्ड पार्ट करवाऊंगी, एमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड। एमरजेंसी मीन्स आपातकालीन, केयर देखभाल, एंड फर्स्ट एड प्राथमिक चिकित्सा। एमरजेंसी केयर एंड फर्स्ट एड तो आपातकालीन देखभाल और प्राथमिक चिकित्सा। समटाइम्स एमरजेंसी ओक्योर्स इवन इफ, समटाइम्स कभी कभी, एमरजेंसी आपातकालीन, ओक्योर्स इवन इफ कि कभी कभी आपातकालीन की स्थिति होती है। वी आर केयरफुल, इफ वी आर केयरफुल, भले ही हम सावधान हो, वी माइट गेट इंजर्ड और बर्नड बाय हॉट वाटर और क्रैकर्स। क्रैकर्स मीन्स पटाखे, हॉट वाटर गर्म पानी, बर्नड जला हुआ, इंजर्ड घायल। तो हम गर्म पानी, हॉट वाटर गर्म पानी और पटाखों से घायल भी हो सकते हैं और जल भी सकते हैं। घायल भी हो सकते हैं और जल भी सकते हैं। ऐसे समय में वी शुड नाउ अबाउट द बेसिक स्टेप्स कि हमें बुनियादी कदमों के बारे में पता होना चाहिए। वी शुड नाउ अबाउट द बेसिक स्टेप्स कि हमें कुछ बुनियादी स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए। दैट आर टू बी टेकन टू हेल्प द वाउंडेड पर्सन, ताकि हम किसी घायल व्यक्ति की मदद कर सके। एट सच टाइम्स वी शुड नाउ अबाउट द बेसिक स्टेप्स that are to be taken to help the wounded person कि हमें ऐसे समय में हमें कुछ बुनियादी स्टेप्स का कदमों का पता होना चाहिए, जिससे कि हम घायल व्यक्ति की मदद कर सकें। जैसे घर पे मान लो किसी बच्चे को चोट लग जाती है, तो हम पहले क्या करते हैं, हमारे घर पे फर्स्ट एड बॉक्स होता है, तो हम क्या करते हैं उसका डेटोल के साथ साफ कर देते हैं, फिर उसके ऊपर पट्टी कर देते हैं। तो ऐसे ही हमें ऐसे स्टेप्स हमें पता होना चाहिए कि हमें जब जल हमारा हाथ जल जाता है या फिर हमें चोट लग जाती है तो हमें क्या करना चाहिए। फर्स्ट एड इज द इमीडिएट होता है तुरंत। हेल्प गिवन टू बी इंजर्ड पर्सन कि हमें घायल व्यक्ति को तुरंत उसका प्राथमिक उपचार करना चाहिए कि हमें घायल व्यक्ति का तुरंत प्राथमिक उपचार करना चाहिए। बिफोर द डॉक्टर अराइव्स, डॉक्टर के आने से पहले हमें उसकी मदद करनी चाहिए कि प्राथमिक उपचार किसी घायल व्यक्ति को डॉक्टर आने से पहले हमें की जाने वाली मदद को बोलते हैं। ठीक है, वी शुड हैव अ फर्स्ट एड बॉक्स कि हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए एट होम एंड इन स्कूल कि हमारे पास फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए कहाँ पर, घर पर भी और स्कूल में भी। दुर्घटना एक्सीडेंट्स कैन हैपन एट एनी टाइम्स, दुर्घटना है जो किसी भी समय एंड एट एनी प्लेस किसी भी स्थान पर हो सकती है। लेट अस लुक एट सम स्टेप्स, तो इसके लिए हमें लेट अस लुक एट सम स्टेप्स इसके लिए हम कुछ स्टेप्स देखते हैं। वी शुड टेक वी कम अक्रॉस एनी एक्सीडेंट, जिससे हमें कुछ कदम उठाने चाहिए कि हमें ऐसे स्टेप्स देखने हैं जिससे हम इफ वी कम अक्रॉस एनी एक्सीडेंट कि हम अगर किसी दुर्घटना को देखते हैं तो हमें कुछ कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये वर्ड आज ये पैरा करवाया है। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह रीड करोगे और जो मैंने इसके वर्ड मीनिंग लिखे हैं आप उनको अच्छी तरह लर्न करोगे और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड लिखोगे। ओके स्टूडेंट्स।